हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा प्रीवियस के पेपर्स। इनमें अल्कोहल फिनॉल ईथर जो आईआईटी के प्रीवियस के पेपर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है CH3MgBr का मीथेनॉल के साथ में रिएक्शन। तो कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट when treated with any compound containing active hydrogen, जैसे मीथेनॉल में ये जो हाइड्रोजन है ये एक्टिव हाइड्रोजन कहलाता है। कोई भी ऐसा हाइड्रोजन विच इज बॉन्डेड टू एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप, दैट हाइड्रोजन इज कॉल्ड एक्टिव हाइड्रोजन। और उनके साथ में कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो वो उस एक्टिव हाइड्रोजन को के साथ में रिएक्टर के करस्पॉन्डिंग एल्केन देगा। तो यहां पर मिथाइल जो एल्काइल ग्रुप है दैट इज मिथाइल ग्रुप, वी गेट मीथेन फर्स्ट ऑप्शन। मोस्ट सुटेबल रिएजेंट यहां पर अपने पास जो है अल्कोहल को एल्डिहाइड में अगर कन्वर्ट करना है तो यहां पर जो फोर्थ ऑप्शन है पीसीसी पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ये अपने पास जो है यहां पर सैरेट्स रिएजेंट भी कहलाता है, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। इसके अलावा अपने पास पीडीसी है पिरिडिनियम डाइक्रोमेट, ये भी इसका भी फंक्शन सेम है पिरिडिनियम डाइक्रोमेट पीडीसी। ये है अपने पास पीसीसी पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। इसके अलावा अपने पास यहां पर जो है डाइपिरिडीन क्रोमेट आ जाता है, डाइपिरिडीन क्रोमेट कॉलिंस रिएजेंट, डाइपिरिडीन क्रोमेट ये है कॉलिंस रिएजेंट। इसके अलावा जॉन्स रिएजेंट है हमारे पास CrO3 प्लस डाइल्यूट H2SO4 प्लस एसीटोन, बट इसका स्पेसिफिक फंक्शन है अगर यहां पर इस तरीके का R CH2 OH हुआ तो ये अपने पास R CH2 COH में ऑक्सीडाइज कर देगा। लेकिन यहां पर यदि एलाइल ग्रुप है या फिर बेंजाइल ग्रुप लगा हो जैसे C6H5 CH2 OH है तो फिर यहां पर अपने पास क्या मिलेगा C6H5 CH2, या फिर एलाइल ग्रुप है उसके साथ में भी प्राइमरी अल्कोहल जो है एल्डिहाइड के लेवल पे ऑक्सीडाइज होकर के रुक सकता है। जो एल्डिहाइड्स होते हैं दे आर प्रोन टू ऑक्सीडेशन, उसका रीजन है अपने पास यहां पे इस हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का प्रोड्यूस होना, और इस वजह से इवन जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं जैसे टॉलेंस रिएजेंट है या अपने पास यहां पर जो फैलिंग सॉल्यूशन है या बेनेडिक सॉल्यूशन है, ये सब भी इस हाइड्रोजन को बड़ी आसानी से किसमें ऑक्सीडाइज कर देते हैं OH में, मतलब एल्डिहाइड जो है बड़ी आसानी से एसिड में ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो यहां पर यदि आप KMnO4 K2Cr2O7 वगैरह यूज करेंगे तो अल्कोहल पहले एल्डिहाइड के लेवल पे जाएगा, ये अपने पास यहाँ पे अगर कोई अल्कोहल है तो फर्स्ट स्टेप पे तो एल्डिहाइड के लेवल पे जाएगा, उसके बाद ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं इसको एसिड में भी ऑक्सीडाइज कर देंगे। लेकिन यदि आप इन रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा अपने पास यहाँ MnO2 एक रिएजेंट है और इसके अलावा आप जो है यहाँ पे सिरिक अमोनियम नाइट्रेट इन सब का इस्तेमाल पार्शियल ऑक्सीडेशन के लिए कर सकते हो, ठीक है। कौन सा करेक्ट है कहता है विच इज करेक्ट, तो यहां पर नॉट करेक्ट कह रहा है,
इसमें फर्स्ट ऑप्शन अल्कोहल्स जो है वीकर एसिड देन वाटर, तो वो स्टेटमेंट सही है। इन जनरल हम मान लेते हैं कि अल्कोहल्स आर वीकर देन वाटर, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि जो मीथेनॉल है इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर, ठीक है। देन एसिड स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल्स डिक्रीजेस इन द फॉलोइंग डायरेक्शन, मतलब प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होते हैं, देन सेकेंडरी देन टर्शरी, जैसे जैसे प्लस आई या प्लस एम इफेक्ट बढ़ता है एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जाती है, कम होती जाती है। थर्ड ऑप्शन जो है सीओ लेंथ के बारे में बात कर रहा है, मीथेनॉल में जो सीओ बॉन्ड का लेंथ है वो कहता है कि फिनॉल के सीओ बॉन्ड के मुकाबले अपने पास छोटा है, तो ये गलत है। फिनॉल में जो सीओ बॉन्ड की लेंथ होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है, उसका कारण है अपने पास यहाँ पर रेजोनेंस के कारण इस ऑफ सीओ बॉन्ड का डबल बॉन्ड के समान बिहेवियर, ठीक है। और तो थर्ड ऑप्शन गलत है, गलत स्टेटमेंट है। मीथेनॉल में ये बॉन्ड एंगल 108.9 है। नॉर्मली ऑक्सीजन अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसका 109. या कोई भी एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो 109.5 के आसपास का एंगल होना चाहिए, लेकिन एलपी अगर प्रेजेंट रहेगा तो एलपी से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाता है, तो थर्ड ऑप्शन पे हम यहां जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट विक्रमे टेस्ट में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल कौन से कलर्स देते हैं, तो पहला तो विक्रमे टेस्ट में जो रिएजेंट्स हम यूज करते हैं वो है फॉस्फोरस प्लस आयोडीन, दूसरा है अपने पास AgNO2, तीसरा है HNO2 और चौथा हम यहाँ पर जो रिएजेंट यूज करते हैं P+I2 और AgNO2 और HNO2। और KOH तो या NaOH, तो यहां पर अपने पास जो है जो प्राइमरी अल्कोहल्स है वो रेड कलरेशन देते हैं, वो है अपने पास सोडियम नाइट्रोलेट का या सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रोलिक एसिड। 2° अल्कोहल्स जो है वो ब्लू कलर देंगे, वो है अपने पास स्यूडो नाइट्रोल का। और जो टर्शरी अल्कोहल है वो कलरलेस सॉल्यूशन देते हैं और वो होता है अपने पास नाइट्रो एल्केन का। सो ये अपने पास यहाँ पे करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, रेड ब्लू कलरलेस। इसको याद करने के लिए RBC टेस्ट करके आप याद कर सकते हो, रेड ब्लू कलरलेस RBC। एक अननोन अल्कोहल है उसको ल्यूकास रिएजेंट के साथ ट्रीटमेंट करने पे कि वो प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी है, कौन सा अल्कोहल फास्टेस्ट रिएक्ट करेगा और कौन से मैकेनिज्म से रिएक्ट करेगा। अल्कोहल्स जो है वो दो तरह का रिएक्शन शो करते हैं, एक ऐसे रिएक्शन जिसमें सीओ लिंकेज टूटता है, ऐसे रिएक्शंस में रिएक्टिविटी ऑर्डर हमारे पास होता है टर्शरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी, जबकि अगर अपने पास यहाँ पर OH बॉन्ड स्प्लिट होगा तो इट इज 1° 2° एंड 3° प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है। अब जो ल्यूकास रिएजेंट है दैट इज एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, वो है एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और इस रिएक्शन में अपने पास यहाँ पर क्लोरो कंपाउंड बनता है, मतलब कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, CO बॉन्ड। सो टर्शरी अपने पास यहाँ पर जो है मोस्ट रिएक्टिव रहेगा और इसका जो मैकेनिज्म है वो अपने पास यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म,
क्योंकि जो टर्शियरी कार्बोकेटायन है जो बनेगा वो अपने पास क्या होगा स्टेबल, मतलब यहां पर अपने पास ये है R, R1, R2 और ये अपने पास OH दिया हुआ है, तो एनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो ये इस H2O का निकलना और यहां पर पहले स्टेप में कार्बोकेटायन का बनना, ठीक है, तो ये अपने पास यहां पर SN1 मैकेनिज्म और टर्शियरी, सो बी इज द करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन जो था वो सही आंसर था। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में अगेन अपने पास यहां पर CO बॉन्ड स्प्लिट होगा टर्शियरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी, और मीथेनॉल सेकेंड ऑप्शन पे आप जा सकते हैं।